गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आशा करता हूँ आप सब लोग अपने घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज अपन चैप्टर थर्ड में आगे स्टडी करेंगे। अपना चैप्टर थर्ड था नाउन्स एंड काइंड्स ऑफ नाउन्स। तो अपन ने इसमें बी तक क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे, आज अपन सी क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। अपने पास में सी क्वेश्चन है पेज नंबर 11 पे। सभी लोग बुक्स ओपन कर लीजिए अपनी, पेज नंबर 11 पे आ जाइए। सी क्वेश्चन है अपने पास में, राइट द प्रॉपर नाउन टू आंसर दिस क्वेश्चंस ऑन इंडिया। आपको जो भारत के क्वेश्चंस है ना, इनको प्रॉपर नाउन लिखने हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है नेशनल एंथम यानी राष्ट्रीय गान, तो इसका आंसर आपको क्या लिखना है, जन गण मन, ये अपना राष्ट्रीय गान है। सेकंड है नेशनल फ्लावर, तो नेशनल फ्लावर कौन सा है अपना, लोटस। तो आप लोग खाली जगह पर यहाँ पे ऊपर तो जनगण मन, नीचे लोटस लिख लोगे। इससे नेक्स्ट है नेशनल ट्री, नेशनल ट्री कौन सी है अपनी, द बेनियन ट्री इज द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया, ये भारत की राष्ट्रीय पेड़ है बेनियन ट्री। तो आप लोग इसमें लिख लोगे द बेनियन ट्री। नेक्स्ट है नेशनल सॉन्ग, अपना नेशनल सॉन्ग कौन सा है, राष्ट्रीय गीत कौन सा है अपना, वंदे मातरम, वंदे मातरम अपना राष्ट्रीय गीत है। पेज नंबर 12 पे आएंगे, नेशनल स्पोर्ट कौन सा है अपना, राष्ट्रीय खेल कौन सा है, हॉकी। तो आप लोग इसमें ब्लैंक सेंस में क्या लिखोगे, हॉकी। पेज नंबर 12 पे और 6 है अपने पास में नेशनल एनिमल, नेशनल एनिमल कौन सा अपना, टाइगर, अगर टाइगर इज अवर नेशनल एनिमल। ठीक है, आपको ये नेशनल एनिमल के आगे जो स्पेस दिया है वहाँ पे नोट डाउन करना है। नेक्स्ट है 7th नेशनल बर्ड, प्रॉपर नाउन के अंदर ही आते हैं सभी, जो भी नेम यहाँ पे लिख रहे हैं ना प्रॉपर नाउन से सारे। ये अपने इंडिया के फेमस जो भी चीज़ है उसके बारे में, जैसे कि राष्ट्रीय खेल कौन सा है, राष्ट्रीय गान कौन सा है, राष्ट्रीय फूल, राष्ट्रीय पेड़, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय जानवर और राष्ट्रीय पक्षी। तो लास्ट है अपना नेशनल बर्ड, तो ये क्या है, राष्ट्रीय पक्षी अपना कौन सा है, पीकॉक। तो यहाँ पे लिख लेंगे पीकॉक। 7th में जो ब्लैंक स्पेस आपको दिया हुआ है ना, यहाँ पे आ जाएगा पीकॉक। ठीक है, अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे अब, कलेक्टिव नाउन्स। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आई अ स्वार्म ऑफ बीज, एक मधुमक्खियों का समूह। सेकंड सेंटेंस, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, खिलाड़ियों की एक टीम। अ लिटलर ऑफ पपीज, एक छोटे कुत्तों का झुंड, छोटे पपीज का झुंड को बोलते हैं लिटलर। इन एग्जाम्पल फर्स्ट द वर्ड स्वार्म रेफर टू द ग्रुप ऑफ बीज, जो स्वार्म है ये ग्रुप ऑफ बीज के तरफ रेफर करता है, उसी की तरफ रेफर करता है। और जो टीम वर्ड है वो आपको ग्रुप ऑफ प्लेयर्स की तरफ रेफर करता है, यानी इसके बारे में बताता है, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स के बारे में। और जो द वर्ड है लीडर, ये आपको ग्रुप ऑफ बीज के बारे में बताता है, बीज के ग्रुप को क्या बोलते हैं, लीडर। लेट्स रिमेंबर इट में देखेंगे, नाउन्स दैट नेम अ ग्रुप और अ क्लास ऑफ सिमिलर थिंग्स और पर्संस टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। ऐसी किसी क्लास या फिर ग्रुप के समूह को जो किसी थिंग्स एनिमल्स को एक साथ मिलाकर बोलते हैं ना, वो कलेक्टिव नाउन के अंदर आता है। हेयर आर सम मोर एग्जांपल्स ऑफ कलेक्टिव नाउन्स, आपको कुछ नीचे एग्जांपल्स दिए गए हैं यहाँ पर, तो इनको आप ध्यान से पढ़िए, जैसे कि मैं आपको रीड करवा रहा हूँ। फर्स्ट सेंटेंस है अपने पास में ये वाला, अ पैक ऑफ कार्ड, कार्ड्स का एक पैक यानी समूह। अ सूट ऑफ रूम, एक रूम का समूह हो गया। अ टीम ऑफ प्लेयर्स, खिलाड़ियों का समूह। अ क्रू ऑफ सेलर्स,
जो बोट चलाते हैं उनको बोलते हैं सेलर्स। तो नाव चालकों का समूह। अ बंच ऑफ ग्रेप्स यानी अंगूर का गुच्छा। अ मोब ऑफ पीपल जो हिंसक लोग खड़े रहते हैं ना, बेमतलबी लोग भीड़ इकट्ठी करते हैं उनको बोलते हैं मोब। तो ऐसे लोगों के समूह क्या बोलते हैं मोब। सेवंथ है अ क्लम ऑफ ट्रीज एक पेड़ का क्लम यानी झुंड। अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स एक स्टार्स का समूह। अ हर्ड ऑफ कैटल या डियर कैटल और डियर के ग्रुप को क्या बोलते हैं हर्ड। अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स किताब के समूह को क्या बोलते हैं लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में तो रखते हैं बुक्स सारी। लेट्स डू में आज अपन एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। मैच द वर्ड इन कॉलम ए विद द एप्रोप्रिएट वर्ड इन कॉलम बी। आपको जो कॉलम ए से कॉलम बी को मैच करना है वो कैसे करना है आप लोग समझिए। मैं कॉलम ए और कॉलम बी बोर्ड में आपको लिखवा इसीलिए रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आप देखोगे बोर्ड में अ फ्लिप ऑफ लग्जरी कार। एक लग्जरी कार के समूह को बोलते हैं फ्लिप। तो ये यहां मैच हो जाएगा। अ क्राउड ऑफ पीपल लोगों की भीड़ को बोलते हैं क्राउड। एन आर्मी ऑफ ट्रूप्स एक ट्रूप के समूह को आर्मी भी बोलते हैं। जो आदर्श समूह होता है ना, जैसे कि बट एक टुकड़ी होती है आर्मी में जो तो
लाइब्रेरी ऑफ बोम्स। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? अ बेड ऑफ म्यूजिशियंस, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, अ हर्ड ऑफ कैटल्स। इस तरह से आपको ये सभी कॉलम में जो वर्ड्स दे रखे हैं ना उनको मैच कर लेना है। ठीक है बच्चों, ये आपका क्वेश्चन था ए। कलेक्टिव नाउन के अंदर आपका एक क्वेश्चन था ए, और अपन नेक्स्ट देखते हैं इसमें बी। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल कलेक्टिव नाउन चूज फ्रॉम द बॉक्स। अब आपको ये बॉक्स दे रखा है, ये वाला बॉक्स दे रखा है ना, इस बॉक्स में आपको ये कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, इन्हीं वर्ड्स को यूज करके इस साइड में जो सेंटेंस दे रखा है इन सेंटेंस के अंदर आपको ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है, इस स्पेस में आपको ये वर्ड फिल करने हैं। तो वो वर्ड कैसे फिल करोगे मैं आपको वर्ड बोर्ड पे बता देता हूँ, नंबर वाइज सीरियल वाइज उसी तरीके से आप उनको फिल कर लीजिएगा अपने बुक के अंदर। मछलियों के समूह को बोलते हैं शॉल। सेवेंथ है अ डैश ऑफ थीव्स एंटर द विलेज एट नाइट, अ गैंग ऑफ थीव्स, इसमें आएगा गैंग। एट द शिप हेड डैश ऑफ हंड्रेड सेलर्स, द शिप हेड क्यू, इसमें आएगा क्यू। Ninth, he had a whole wardrobe of clothes. Wardrobe फिल कर लीजिए इसमें। Next tenth में है a committee of five was appointed. जिसमें आएगा committee. ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस जो ब्लैंक स्पेस दिया है उनमें ये
वाइज वर्ड्स आप फील कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। और आपका आज का होमवर्क यही है कि आपको ए और बी क्वेश्चन बुक में करने, मैं आपको बोर्ड पे दिखा देता हूँ। और ये ए जो बी क्वेश्चन है ये कलेक्टिव नाउन वाले क्वेश्चन है लेट्स बुक के अंदर, ठीक है बच्चों। तो आपको ये दोनों क्वेश्चन अपने बुक के अंदर सॉल्व करने हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय।